अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकात। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। प्यारे बच्चों, आज हमारे माहौल में जो दरख्त बड़े बड़े नज़र आते हैं, क्या वाकई में ये पहले से ही बड़े होते हैं? नहीं प्यारे बच्चों, पहले हमें ज़मीन में बीज डालना पड़ता है, पानी डालना पड़ता है, खाद डालना पड़ती है, उसके कहीं सालों बाद ये दरख्त बड़े होते हैं और हमें ठंडी ठंडी हवाएँ और फल देते हैं। प्यारे बच्चों, जमात चाहरुम मराठी, आज हमारे कविता जिसका नाम है झाड़, हम पढ़ेंगे। पहले मैं आपको पढ़कर सुनाऊंगा, आप बगौर सुनेंगे, फिर मेरे साथ पढ़ेंगे। कविता झाड़। कविता के मायने नज़्म होते हैं और जो कविता लिखता है उसे कवि शायर कहते हैं। प्यारे बच्चों, क्या आपको पता है इस नज़्म कविता के कवि कौन है? प्यारे बच्चों, तो याद रखिए, इस कविता के कवि का नाम ध्यानंदा आसुलकर है। तो आइए आज हम कविता नंबर एक झाड़ पढ़ेंगे और आप ध्यान से सुने।